लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म की एसयूवी लेकर आया हूँ, जो कि है बाइक बीजर 40। वैसे तो नॉर्मली मेरे चैनल के ऊपर इससे पहले भी 2-3 रिव्यूज मौजूद हैं, लेकिन इस गाड़ी का रिव्यू करने का मकसद यह है कि एक तो ये गाड़ी फॉर सेल है, दूसरी बात इस गाड़ी का कलर मुझे तो देखने में ये ग्रीन कलर लग रहा है, यहाँ पर इसकी स्पेक शीट के ऊपर ब्लू लिखा हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस कलर का एग्जैक्ट नाम क्या है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस कलर का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही मज़े का कलर है। सी ग्रीन डार्क सा कलर है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत लुक बीजे 40 को ये प्रोवाइड कर रहा है। हैलोजन बल्ब में प्रोजेक्शन लाइट्स की फैसिलिटी आती है, जिसमें लो बीम हाई बीम दोनों शामिल हैं। यहाँ पर हमारे पास टर्न इंडिकेटर हैलोजन में है, ऊपर पार्किंग लाइट हैलोजन में है। ग्रिल आपको बाइक की सिग्नेचर ग्रिल आपको नजर आ रही होगी, जो कि ब्लैक और क्रोम के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर हमारे पास बाइक का बैज मौजूद है। उसके अलावा ये जो आपको प्लास्टिक की ये रबर्स नजर आ रही हैं, तो बेसिकली ये होल्डर्स हैं। जब आप इसका रूफ रिमूव करते हैं, तो इसका ये जो फ्रंट वाली विंडस्क्रीन है, ये विलिस जीप की तरह से फोल्ड होकर यहाँ पर आकर रुकती है, तो आप इसको प्रॉपर एक टॉपलेस गाड़ी की तरह से इंजॉय कर सकते हैं, जो कि इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात है। रूफ तो ऑब्वियसली रिमूव होता ही है इस गाड़ी का, लेकिन ये स्क्रीन भी इसकी आगे डाउन होकर इसकी हुड के ऊपर आ जाती है, जो कि इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा फ्रंट फेस इसका बड़ा ही अग्रेसिव मस्कुलर किस्म का है, खास तौर पर ये जो इसके ओवर फेंडर्स हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं और गाड़ी को एक बीफी मस्कुलर लुक प्रोवाइड करते हैं। फॉग लैंप्स हमारे पास मौजूद हैं, रेड कलर की इंतहाई फ्लैशी टॉ हुक्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप साइड पर आ जाएं, तो हमारे पास 17 इंचेस के इंतहाई ज़बरदस्त ऑफ रोडर टायर्स मौजूद हैं, जिनके साइज़ की अगर हम बात करें तो ये 265/65 है। ऑफ रोडर व्हीकल्स के अंदर नॉर्मली जो इसकी ये विड्थ आती है, ये 65-70 के करीब करीब ही होती है, जिसकी वजह से आप इसके टायर्स का एयर प्रेशर कम करके प्रॉपर ऑफ रोडिंग इन गाड़ियों पर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम साइड पर आ जाएं, तो ये जो डोर है ये इंतहाई मैसिव है, एक मेटल का डोर है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये डोर्स भी इसके रिमूव हो जाते हैं, तो इसके दरवाजे रिमूव करके, इसकी पूरी की पूरी छत रिमूव करके, इसकी विंडस्क्रीन आगे ड्रॉप करके, आप एक बेहतरीन किस्म का ऑफ रोडर व्हीकल वाला एक्सपीरियंस इस गाड़ी से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पिलर माउंटेड साइड मिरर्स हैं, LED इंडिकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो इसकी फुट स्टेप्स हैं, ये काफ़ी स्टर्डी मेटल की डिज़ाइन हुई हुई हैं, और इनकी बैक साइड पर आपको बीजे 40 की ब्रांडिंग भी नज़र आ रही होगी। एयर प्राइस इस गाड़ी के स्टैंडर्ड इसमें आते हैं, बीजे 40 इनके ऊपर भी आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। गाड़ी की रियर साइड पर और फ्रंट साइड पर दोनों ही साइड्स पे हमारे पास डिस्क ब्रेक्स की फैसिलिटी है, लेकिन फ्रंट पर वेंटिलेटेड है, बैक पर सॉलिड डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं। गोल्डन कलर के अंदर बीजे 40L की ब्रांडिंग, यानी कि ये लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरियंट है बाइक बीजे 40 का, और वो सारा आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। उसके अलावा नीचे बाइक का बैज मौजूद है, स्पेयर टायर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, पांचवा टायर भी अलॉय रिम है प्रॉपर, और वही ऑफ रोडर टायर इसमें आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स की बात करते चलें, तो बैक पर हमारे पास ये क्रोम के पैनल्स ग्रे कलर के, और ये क्रोम यहाँ पर यूज हुआ है, जो कि गाड़ी की रियर लुक को काफी खूबसूरत करता है। हमारे पास बैक साइड पर जो इसकी रियर लाइट्स हैं, पर्सनली मुझे इस गाड़ी की रियर लाइट्स बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी लाइट्स को डिजाइन किया गया है, और कंप्लीट LED लाइट्स हमारे पास बैक साइड पर मौजूद है। इसके अलावा हैलोजन बल्ब में फॉग लैंप्स की फैसिलिटी है, टो हुक्स हैं, और बैक साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी भी इस गाड़ी के अंदर दी जाती है। सो एक्सटीरियर हमने कंप्लीटली देख लिया, अब मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। 2022 मॉडल बाइक बीजे 40 लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरियंट है, और कलर बहुत ही स्पेशल है, ये 0 मीटर गाड़ी है, और इसकी डिमांड 1 करोड़ 2 लाख रुपए की जा रही है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और भी क्लियर करता चलूं कि जो आजकल प्राइसेस चल रही हैं, जिस तरह से गाड़ियों की खास तौर पर, वो डॉलर की प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइसेस गाड़ियों की स्टेबल नहीं है। अभी जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, उसके 1 हफ्ते 10 दिन तक इस गाड़ी की ये डिमांड की जा रही है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त की एग्जैक्ट प्राइस का आपको आइडिया चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि साइकिल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी के हैं। दोनों ब्रांचेस के नंबर्स, सदर वाली ब्रांच और ये DHA Phase 2 Gate 1 के अपोजिट साइड पर जो है, जो कि फ्लैगशिप ब्रांच है, इन दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। अगर इसकी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में आपने कंफर्म करना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, और ये रही इस गाड़ी की चाबी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ी का जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, वो बिल्कुल एयर वेंट्स के दरमियान में दिया हुआ है। अब हम इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं, तो चाबी हम यहाँ पर रखते हैं, ब्रेक प्रेस करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अब जब आप फर्स्ट स्टार्टअप इस गाड़ी का देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी की जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही कोई वाइब्रेटिव किस्म की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाड़ी के अंदर 2000cc का इंजन है, टर्बोचार्ज्ड है, लेकिन ये पेट्रोल इंजन है, तो गाड़ी बहुत ही स्मूथ तरीके से स्टार्ट होती है, और गाड़ी की जो साउंड है वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, मतलब कि आपको तंग करे, तो एक स्मूथ और बेहतरीन किस्म का स्टार्टअप होता है इस गाड़ी के अंदर। ट्रांसमिशन की बात करते चलें, तो हमारे पास एक सिक्वेंशियल टाइप की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और ये स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन है। आप इसको मैनुअल पर रखकर
मैन्युअली भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, बट हम फिलहाल इसको पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। फीचर्स की बात करते चलें तो हमारे पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, यहाँ पर हेडलाइट स्विच आ जाता है। इसके साथ साथ अगर आप स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाएं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है जिसके ऊपर BJ40 की ब्रांडिंग आपको नजर आ रही होगी। बेसिक क्रूज कंट्रोल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, इस तरफ हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मौजूद हैं। एडजस्टमेंट भी आपको इसके अंदर मिल जाती है, तो आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट नहीं है। मज़े की चीज़ ये कि गाड़ी के अंदर कोई एनालॉग मीटर या कोई इस किस्म का क्लस्टर एनालॉग नहीं है। एक हमारे पास यहाँ पर मेन डिस्प्ले है जो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। स्पीड, रेव काउंटर डिजिटल फॉर्म में है, इसके साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी यानी कि MID भी इसके अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास ये इसका इंटरटेनमेंट डिस्प्ले है जो कि एक टच पैनल है, और यहाँ से आप इसकी डिफरेंट सेटिंग्स या डिफरेंट चीज़ों के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप होम प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका लेआउट बनता है। ब्लूटूथ है, रेडियो, मीडिया, सेटिंग्स के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ डिस्प्ले और ये सारी सेटिंग्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप माई कार के अंदर आ जाएंगे तो गाड़ी से रिलेटेड सारी सेटिंग्स हैं, जैसे कि सबसे ऊपर व्हीकल सेटिंग है, नीचे ड्राइविंग असिस्टेंस है, उसके नीचे मेंटेनेंस नीड्स हैं, और इस तरह से सारी सेटिंग्स है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एम्बियंस लाइट्स, रिमोट लॉकिंग रिमाइंडर। इस तरह व्हीकल सेटिंग्स के अंदर हेडलाइट डिले यानी कि जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो फॉलो मी होम वाला फीचर इसमें मौजूद है, लाइट्स कुछ देर के लिए ऑन रहती हैं। उसके अलावा रिमोट लॉकिंग रिमाइंड, एम्बियंस लाइट सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर नज़र आ रही होंगी। गाड़ी का डैशबोर्ड आपको काफ़ी हद तक रफ एंड टफ लुक नज़र आती है इसकी। यहाँ पर ग्रैब हैंडल मौजूद है जो कि काफ़ी मैसिव और स्टर्डी किस्म का है, उसके ऊपर भी आपको BJ40 की ब्रांडिंग नज़र आ रही होगी। मटेरियल की बात करें तो हार्ड मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं, पूरे के पूरे डैशबोर्ड का जो मटेरियल है ये हार्ड स्टफ़ यूज़ हुआ हुआ है। यहाँ पर ग्लॉसी पैनल्स आपको दरमियान में नज़र आते हैं, बट ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक है। यहाँ पर भी प्लास्टिक की ये ट्रिम्स यूज़ हुई हुई हैं। इसी तरह गाड़ी का जो फोर व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आ गई इसकी ट्रांसमिशन, लेकिन फोर व्हील इसका भाई कहाँ पर है? तो इंटरेस्टिंग चीज़ जी कि जिस तरह से इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बड़ी ही डिफरेंट सी जगह पर है, इसी तरह इसका जो फोर व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट है इसको भी बड़े अजीब तरीके से प्लेस किया गया है। नीचे आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल स्विचेस हैं, इस तरफ आपके पास ड्राइविंग मॉड्स हैं, और ऊपर हमारे पास फोर व्हील ड्राइव कंट्रोल के बटन्स हैं। तो ये इसकी सारी की सारी प्लेसमेंट है। अच्छी चीज़ ये कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है, तो यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी कि इंगेज या डिसइंगेज आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये सारे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, तो आप अगर यहाँ से कंट्रोल ना करना चाहें तो आप इन मैनुअल बटन्स की मदद से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सिगरेट लाइटर की फैसिलिटी आ जाती है। कप होल्डर्स के इर्द गिर्द ब्लू कलर की एम्बियंस लाइट आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी। इसी तरह अगर हम ऊपर आ जाएं, इस गाड़ी का पूरा ये छत रिमूवेबल है, तो इन लॉक्स को अगर आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो इसका छत आप पूरा ये पार्शली रिमूव हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ये जो रोल बार्स ही इनको आप कहेंगे, इनके ऊपर प्रॉपर पैडिंग हुई हुई है, तो आप ऑफ रोडिंग करते हुए अगर आपका खुदा ना खास्ता यहाँ पर सर टकराता है, अगर आप काफ़ी हाइटेड हैं, तो फिर आपको ये पैडिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ उस तरफ हमारे पास ये बेल्ट्स की सूरत में, नाइलॉन बेल्ट्स की सूरत में ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं, तो ऑफ रोडिंग करते हुए आप खुद को स्टेबल रखने के लिए यहाँ पर इनको होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह सन शेड्स के ऊपर हमारे पास वैनिटी मिरर्स की फैसिलिटी आ जाती है जो कि दोनों साइड्स पर मौजूद है, और ये सन शेड्स इस तरह से रिमूव होकर साइड पर भी आ जाते हैं, तो आप जो भी जिस साइड की भी धूप को कवर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सीट्स की तरफ आ जाएं तो हमारे पास बकेट सीट्स हैं लेकिन फैब्रिक में है। ये ब्लू कलर की स्टिचिंग काफ़ी खूबसूरत लगती है और काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी बहुत हाइटेड है, मतलब ठीक ठाक हाइटेड है, यानी कि मेरी हाइट तकरीबन 5'9" है, और अगर आप इसका रूफ देखें तो मेरे सर से भी थोड़ा सा ऊंचा रूफ है इस गाड़ी का। तो हाइटेड बंदे के लिए तो इतना मसला नहीं होता, या अगर आप एक फीमेल हैं तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है गाड़ी के अंदर एंटर होते हुए। लेकिन उसको आसान करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि किसी भी
कम हाइट वाले बंदे के लिए इस ग्रैब हैंडल को होल्ड करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पर सेपरेटली ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, तो इसको होल्ड करते हुए आप बड़ी ही आसानी से गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर फुट स्टेप्स मौजूद हैं, जिनके ऊपर आपको BJ40 की ब्रांडिंग भी नज़र आ रही होगी। इन फुट स्टेप्स के ऊपर क्लाइंब करते हुए आप बड़ी आसानी से इस गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं, और ये जो स्ट्रैप्स हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं गाड़ी के अंदर एंटर होने में। लेग स्पेस की अगर बात करते चलें तो हमारे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी सीट्स का ये जो पोर्शन है ये हार्ड प्लास्टिक में डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप एक 6 feet टॉल से ज़्यादा हाइटेड पर्सन है तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर एयर वेंट्स की फैसिलिटी आ जाती है। अच्छी बात ये कि ये जो रियर सीट्स हैं इसकी ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, और आप चाहें तो इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। ये एक 5-seater है, 7-seater नहीं है, तो इन सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास आर्म रेस्ट की फैसिलिटी आ जाती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स की फैसिलिटी आ जाती है, और इस गाड़ी के अंदर आपको 2 airbags मिलते हैं जो कि फ्रंट पर डैशबोर्ड पर ड्राइवर और पैसेंजर के लिए हैं। कंफर्ट की बात करें तो बैक साइड पर ये जो सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ख़ासतौर पर इनका ये जो एंगल है, अगर मैं इस तरह से बैक पर टेक लगा कर बैठूँ तो आप देखेंगे कि इसका ये जो एंगल है, सिटिंग एंगल, ये काफ़ी हद तक सेडान्स की तरह का है, तो आपको कंफर्टेबल किस्म का सिटिंग पोस्चर यहाँ पर मिलता है। नॉर्मली जो SUVs होती हैं, जैसा कि फॉर्च्यूनर को अगर आप देख लें या प्राडोस वगैरह का जो होता है ये एंगल, ये थोड़ा सा इनकी जो इंक्लाइन होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा सिटिंग एंगल नहीं मिलता। लेकिन इसका रियर पैसेंजर्स का जो सिटिंग एंगल है ये काफ़ी मज़ेदार और कंफर्टेबल है। इसी तरह ये जो सीट्स हैं ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इनकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हुई हुई है। सो ये था इस गाड़ी का इंटीरियर, अब हम इंजन बे पर नज़र डालते हैं और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। सो गाइज, ये है इस गाड़ी का 2 liter का इनलाइन 4 cylinder टर्बोचार्ज इंजन, जिसकी लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वो ABS यूनिट है, बाकी सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल सामने हैं। यहाँ पर आपने कोई भी काम शाम करना आप इजीली कर सकते हैं। इंजन बे की लुक आप इसकी देख सकते हैं। फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको इस इंजन के साथ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 kilometers टू अ लीटर की एवरेज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। डिपेंड करता है आप इस गाड़ी को किस तरीके से ड्राइव करते हैं। सो ये था आज का रिव्यू बाइक BJ40+ का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे खरीदना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी के नंबर्स दिए गए हैं। आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।